स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर और आपकी ये इंग्लिश की पहली क्लास है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए हम लोग पहली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की है संख्या के आधार पर, तो वो आपकी 8 टाइप्स की है। टोटल पहला है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और फिर उसी से पहला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होता है नाउन, इसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम। एंड एनिमल, किसी भी जानवर का नाम। एंड थिंग, किसी भी वस्तु का नाम। ह्यूमन क्वालिटी, किसी भी मानवीय गुण का नाम या किसी भी विचार, आइडिया या अनुभव, एक्सपीरियंस या फीलिंग। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में वो सारी चीजें आती हैं जिनका हम नाम रखते हैं, जैसे राम, गंगा, रामायण, ये सभी के अपने नाम है, पर्टिकुलर नाम है। कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन के अलावा जो हम अलग से सामान्य रूप से जो नाम उनको दे सकते हैं, जैसे सभी डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, सभी लड़की को लड़की, गर्ल बोलते हैं, सभी कंट्री को कंट्री बोलते हैं। और वैसे भी हर देश का अपना नाम है, अगर उसका नाम लेते हैं तो वो फिर प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर उस देश का नाम, जैसे हमने बोल दिया अमेरिका, तो ये प्रॉपर नाउन में रहेगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं कंट्री तो सभी देश को कॉमन रूप से कंट्री बोलते हैं। उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, ऐसी कोई चीज जिसमें काफी सारी चीजों का संग्रह हो, समूह इकट्ठापन हो, जैसे क्लास, क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, ढेर सारे बच्चे होते हैं, तब वो ग्रुप बन के रेडी होता है। जैसे टीम, टीम कभी भी एक प्लेयर से नहीं बनती है, उसमें नहीं कुछ तो 5 से 6, 10 से 12 प्लेयर होते हैं, जैसे इंडिया की टीम उतनी हो गई। फैमिली, किसी परिवार में मम्मी पापा भाई बहन 5 से 6 लोग होने जरूरी है, तभी वो आपका कलेक्टिव नाउन में रहेगा। उसके बाद आपका मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन वो सभी पदार्थ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और वो तरल अवस्था में पाए जाते हो, जैसे वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते, ऑयल इसको भी हम गिन नहीं सकते, सिल्वर इसको भी हम गिन नहीं सकते, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन में रहेंगे। उसके बाद आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ वो है जिनको आप अंदर से फील करते हो, अंदर से जो फीलिंग्स उत्पन्न होती है सिर्फ उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज हमारी बॉडी पर स्पर्श कर रही है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, वो फीलिंग सिर्फ अंदर से आनी चाहिए। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई को आप ना ही देख सकते हो, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, वो भी अंदर से। पावर्टी, गरीबी, गरीबी को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अंदर से महसूस की जाती है कि हाँ कोई व्यक्ति गरीब है। और ब्रेवरी, बहादुरता, कोई भी व्यक्ति बहादुर है तो ये हमें अंदर से महसूस होता है कि ये व्यक्ति बहादुर है। थैंक यू सर।